Guys, welcome to maths learning. So today we will start with the in-text question of light chapter. So the question given in page number 168. So uska answer aaj hum log dekhenge, theek hai? So start karte hain. First question kya hai? Define the principal focus of a convex mirror. This is not convex, this is concave mirror. तो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो सेम ही होगा, बस डायग्राम में डिफरेंस आएगा. तो डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, मैं दोनों का बता देती हूँ, ठीक है. तो क्या लिखा है, डेफिनेशन तो सेम होगा लेकिन अगर रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें डिफरेंस आएगा. तो आंसर क्या है, दिस इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो जब भी एक कोई लाइट रेज जो होते हैं वो पैरेलल आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मीट करते हैं जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है. तो डायग्राम से देखते हैं, सी दिस इज़ कॉन्केव मिरर एंड दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर. मैं दोनों में बता देती हूँ प्रिंसिपल फोकस कैसे बनाना. हाँ, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो बेटर है कि इसके साथ रे डायग्राम भी बनाओ, क्योंकि इससे मार्क्स कटने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है. तो रे डायग्राम बना देना अपना सेफ साइड के लिए. तो रे आ रहा है पैरेलल, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पे मिलेंगे जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है. तो ये होगा कॉन्केव के केस में, और ये कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, रे पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है. तो मीट कहाँ पर होंगे, दे अपीयर्स टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस बट एक्चुअली ये डाइवर्स हो जाते हैं, ठीक है. तो ये कॉन्वेक्स का, ये कॉन्केव का. अगर कॉन्केव का पूछे तो कॉन्केव का बना देना, कॉन्वेक्स का पूछे तो कॉन्वेक्स का बना देना. सेकंड क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर. हम लोग को एफ फाइंड करना है, फोकल लेंथ. तो इसका रिलेशन जो है मैंने बताया है, आर इक्वल टू 2f. तो आर जो है वो 20 है, इक्वल टू 2f. तो एफ क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर. ये तो ईजी था, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मिरर डेट कैन गिव एन इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब क्या है, कोई एक इमेज बताओ जो इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज देता है, ठीक है. तो अगर कॉन्वेक्स का देखें तो उसमें सिर्फ दो केस था जिसमें हम लोग को स्मॉल इमेज मिलता है, ठीक है. तो कॉन्वेक्स तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा स्मॉल इमेज ही देता है. तो बचा क्या, कॉन्केव. तो सिंपल, इसका आंसर कॉन्केव होगा, ठीक है. कॉन्केव वाले की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन उसका एक केस होता है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है, जो कि एनलार्ज होता है. तो उसी को रिमेंबर करके उस पॉइंट को सोच के ये इसमें कॉन्केव होगा. और वैसे भी कॉन्वेक्स जो है वो हमेशा रिमिनिस इमेज बनाता है, ठीक है. फोर्थ क्या है, वाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल. तो देखो इसका आंसर भी मैं ना बता चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ कि रियर व्यू इमेज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को. तो इसमें तीन कीवर्ड्स हैं जो याद रखने हैं, उसको ही लिखना है आंसर में. वो तीन कीवर्ड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है. तो क्या है, फर्स्ट कीवर्ड है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है. और सेकेंड है कि वो डिमिनिश इमेज देता है. और थर्ड ये है कि वो वाइडर फील्ड कवर करता है, ठीक है. तो इसका आंसर ये है कि वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज इट गिव अस अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विच इज़ डिमिनिश इन साइज. सो इट कवर्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू विच इनेबल्स अ ड्राइवर टू सी अ वाइडर फील्ड बिहाइंड द व्हीकल. तो ईजी हो जाता है ड्राइविंग करने में, ये इसका आंसर होगा, ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं उसमें एग्जाम्पल करवाऊँगी न्यूमेरिकल्स 10.1, 10.2, ठीक है. तो बाय गाइज़.